एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो यार, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको व्यू कैसा लग रहा है। मतलब इधर लेक है, उधर पहाड़ है, पीछे भी पहाड़ है और लेफ्ट साइड भी पहाड़ है। अभी ना मैं बेंगलोर में हूँ। बेंगलोर के बारे में बात हम बाद में करेंगे, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा व्लॉग आएगा इस पर, आप वो भी देख लेना। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली एक्सेल 6 पे होने वाली है। अभी ना 2022 में इसका एक फेसलिफ्ट आया है, जो मुझे लगता है कि टाइम के साथ नीडेड भी था। इसमें बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ऑनेस्टली बताऊं, एक्सेल 6 जो है ना, वो सुजुकी की तरफ से मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। सो बेसिकली आज की वीडियो में ना इसका ड्राइव रिव्यू भी हम लेंगे, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक एड ऑन हुआ है तो उसका ड्राइव रिव्यू आपको मिलेगा। इसके अलावा वॉक अराउंड तो आपको मिलेगा ही, और जो कुछ भी इसमें नया एड ऑन हुआ है ना, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले ना आपने इसका वॉक अराउंड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प्स दिए गए हैं ना, वो सेम ही है, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं मिलता आपको। यहाँ पे आपको 4 LEDs का सेटअप मिलता है, 2 आपको लो बीम के लिए मिलती है, 2 आपको हाई बीम के लिए मिलती है। एंड इसके थ्रो की बात करूँ तो बहुत अमेजिंग है, पूरी रोड चमका देता है ये। पहले भी बहुत अच्छा था, अब भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी इसमें। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं। एंड इंडिकेटर की यूनिट ना आपको यहाँ पे सेपरेट मिलती है, मतलब इंटीग्रेटेड नहीं है ये, सेपरेट बल्ब आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड कुछ यहाँ पे आपको इसके फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जो अगेन LED है। पहले भी LED मिलते थे एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करते हैं ये, लगते भी बहुत सुंदर है। तो अब भाई, जो मेन चेंज आपको फ्रंट से दिखेगा ना, वो है इसकी ग्रिल। इसमें आपको क्रोम की काफ़ी बड़ी लाइनिंग ऐड करके दी गई है, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसको देख के ना आपको ऑनेस्टली ऐसा फील होगा, हाँ भाई कुछ तो चेंज किया गया है। ये ना काफ़ी मेच्योर सी फील होने लगी है, अब स्मार्ट लग रही है देखने में। ऐसा लग रहा है कि समझदार हो गई है पहले से और भी ज़्यादा। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी ऐड कर दिया गया है। ये फ्रंट वाला कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे नीचे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको सिल्वर सा टच दिया गया है। देखो, ऊपर ब्लू है, यहाँ पे क्रोम यूज़ किया गया है, ब्लैक है, देन सिल्वर है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे के साथ। एंड आई फील अच्छा भी लग रहा है, और साथ में एक रगेड सी लुक ऐड कर रहा है कार में। और जो सबसे बड़ा चेंज है, जिसे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई नई वाली एक्सेल 6 आ गई है, वो है इसके अलॉय व्हील्स। मैंने पहले वाले वॉक अराउंड्स में भी मेंशन किया है कि इतनी बड़ी गाड़ी में पहले 15 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर करते थे, तो वो गाड़ी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी अजीब से लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे। बट अब लो भाई, मेरी सुजुकी ने सुन ली है, यहाँ पे 16 इंच के अलॉय व्हील्स आपको ऑफर कर दिए गए हैं। मशीन कट अलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसका टायर सेक्शन है 195/60R16 का। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपको अलॉयज का डिजाइन कैसा लगा। पहले आपको कुछ ब्लैक डाउट से अलॉयज मिलते थे, अब आपको कुछ सिल्वर से टोन में दिए गए हैं। आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कार के साथ में। बाकी आप लोग तो मुझे बता ही रहे हो कि कैसे लग रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ फेंडर पे देखोगे ना, तो कुछ क्रोम का एलिमेंट नया सा ऐड किया गया, ये पहले आपको नहीं मिलता था। एंड आई थिंक कार के साथ काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड नाउ कम्स द ORVM। यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs ऑफर किए गए हैं, जिसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। एंड एक और नई चीज़ है, वो है इसका साइड वाला 360 डिग्री कैमरा, यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप यहाँ नीचे भी देखोगे ना, तो यहाँ पे ब्लैक एंड सिल्वर कलर का वही एलिमेंट ऐड किया गया है, जो आगे भी मैंने आपको दिखाया था। एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यही सेम कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे रूफ रेल्स में ऐड करके दिया गया है। मुझे लगता है गाड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड ये जो रूफ रेल्स है ना, ये फंक्शनल है, ये देखो काफ़ी स्ट्रांग है ये, आराम से आप इसके ऊपर सामान रख सकते हो, ऐसे नहीं है कि सिर्फ शो के लिए। एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है सुजुकी की, कि ये लोग ना दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर देते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड, दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। रियर में ना टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, एंड वाइपर, डिफॉगर एंड वॉशर तीनों ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक क्रोम की लाइनिंग दी गई है, सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको एक्सेल 6 की बैजिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको मिल जाती है। इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। एंड नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो वही सेम सिल्वर और ब्लैक का एलिमेंट रियर में भी ऐड किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। इसका टेल लैम्प सेटअप जो है ना, वो मुझे लगता है इसके जो ग्लास है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है पहले से, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ से आपको चेंज प्रॉपर दिखेगा। तो भाई, मैंने लाइट्स ऑन कर लिया, आप देख सकते हो कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत सही लग रही है, आप लोग बताना कैसी लग रही है। तो मैंने आप सभी को मेंशन किया था कि मुझे एक्सेल 6 बहुत पसंद है, उसका एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा था। पहले तो जो रियर वाला 360 डिग्री कैमरा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बेसिकली यार, इसमें आपको अच्छी खासी 3 रोज ऑफर की गई है। 3 रोज के बाद पता है क्या होता है, जनरली इससे बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैंने ऐसे देखा है
कि जो बूट स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट यहाँ पे ना आपको थर्ड रो के हिसाब से जो बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। 209 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ऑफर किया गया है। उसके बाद भी आपको जगह चाहिए तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल टच लगा मुझे, ये दोनों साइड से आप ऐसे पुल कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि स्पेयर व्हील कहाँ पे है, तो इसका जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आई थिंक यार ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 6 लोग 5 लोग 7 लोग ट्रैवल करेंगे तो सामान तो साथ में होता ही है, फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो अच्छा दिया गया है। एंड इसमें ना रिक्लाइन एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हो, अभी जैसे नॉर्मल पे रखा हुआ है, अगर कोई एडल्ट बैठा है जिसकी हाइट वगैरह ज्यादा है तो ये देखो आप इसको पूरा पीछे तक खींच सकते हो। उसके बाद भी जो बूट स्पेस है वो काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है, डिपेंड करता है कि कौन कैसे यूज करना चाहता है, उस हिसाब से आप इसका रिक्लाइन एंगल भी एडजस्ट कर सकते हो। और इसको यूज करना बहुत ही आसान है, आप चाहो तो पूरा ऐसे पीछे पुल कर सकते हो या फिर आप इसको पूरा ऐसे फोल्ड कर सकते हो। अगर मान लो 4 ही लोग आप ट्रेवल कर रहे हो ना, तो आप इसको पूरा फोल्ड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बूट स्पेस फिर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसको वापस पुल करना भी बहुत ही आसान है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका जो ड्राइवर साइड डोर है ना, वो आपको ऑल ब्लैक सी थीम में दिया गया है, जिसके ऊपर बस आपको एक ये वाला सिल्वर हिंट दिखेगा जो मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड यहाँ पे ना कुछ देखने में आपको वुडन सी फिनिश लगेगी, है ये प्लास्टिक की बट काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे एक छोटी बॉटल पड़ी है, बट काफ़ी बड़ी बॉटल आप यहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे गैप भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है, छोटी सी स्पेस यहाँ पे भी है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डोर हैंडल पे आपको क्रोम देखने को मिल जाता है। एंड ये जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है ना, ये ऑटो है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे ना, तो ये जो ग्लास है अभी आपको टेंटेड दिख रहा होगा, आप इधर देखो एंड देन यहाँ पे देखो, कुछ हल्का सा ग्रीन टिंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मतलब ये ब्लैक टिंटेड नहीं है, ग्रीन टिंट यहाँ पे आपको दिया गया है। फ्रंट वाले मिरर पे भी थोड़ा सा टिंट है, इसके कंपैरिजन में कम है बट है। उसका रीज़न ये है कि ये वाला जो ग्लास है ना, ये कुछ हद तक यूवी रेस से प्रोटेक्शन देता है, और आजकल पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अंदर बैठते हो तो ऐसी आग लग जाती है ना, इसीलिए उस आग से बचाने के लिए भी आपको दिया गया है, ताकि हीट एकदम से अंदर ना आए, कुछ हद तक प्रोटेक्शन आपको मिल सके। बाकी यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल दिए गए हैं, ये लॉक अनलॉक का बटन है, एंड ये वाले यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और जो ड्राइवर साइड सीट है ना, वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, बट ये सारा मैनुअल है आप देखोगे तो। नई चीज जो आपको यहाँ पे ऐड करी हुई दिखेगी वो है ये व्यू का बटन, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे यहाँ पे आपको पूरी गाड़ी घूमती हुई दिखेगी, 360 व्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये वाला बटन आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 360 व्यू का बटन है ये। और ये ऑटो ऑफ का बटन है, मतलब बेसिकली ना आजकल गाड़ी में फीचर आता है कि जैसे आप मान लो रेड लाइट पे रुके हो तो गाड़ी ना आपकी अपने आप ऑफ हो जाती है। वैसे मुझे फीचर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट जब वेदर अच्छा हो या सर्दी हो तब ये फीचर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर गर्मी है गाड़ी ऑफ हुई तो एसी वगैरह भी ऑफ हो जाता है और फिर वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये बटन यहाँ पे दिया गया है, ताकि अगर आप चाहो, आप चाहते हो कि ये सिस्टम आपके लिए अभी एक बार के लिए वर्क ना करे, तो आप इसे ऑफ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है फ्लैट बॉटम है, एंड इसके ऊपर आपको मैट सिल्वर से फिनिश देखने को मिल जाती है। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, मुझे देखने में काफ़ी स्मार्ट लगता है, क्योंकि ये काफ़ी स्पोर्टियर लगता है। एंड यहाँ पे ना आपको इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, नीचे यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉल एंड करने के, कॉल उठाने के मतलब कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। अच्छी बात है कि इस बार पैडल शिफ्टर्स भी एड ऑन हो गए हैं, ये देखिए। एंड ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो यहाँ से आपको लेदर आप देखने को मिलता है। ऑल्सो ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फीचर्स के साथ में स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, उस पर RPM मीटर एंड स्पीडोमीटर दोनों ही आपको एनालॉग देखने को मिल जाते हैं। इंजन का टेम्परेचर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, एंड गाड़ी में कितना फ्यूल है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सेंटर में आपको डिस्प्ले दी गई है, जिसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिल जाती है। नीचे नई नवेली गाड़ी है भाई, तो किलोमीटर्स ड्रिवन आपको 546 देखने को मिल जाते हैं, बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए यूज़ की गई है सिर्फ। एंड यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिल जाती है, मतलब गाड़ी कितनी और चल सकती है अभी। और बाकी ये जो एवरेज देख रहे हो, इस पे मत जाना भाई, क्योंकि बहुत देर से गाड़ी ऑन खड़ी है शूट के लिए, क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ। एंड यहाँ पे आपको एक छोटा सा आर्मरेस्ट दिया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस है। इसके अंदर अभी मैंने माइक वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि अभी नीड नहीं है मुझे माइक की। एंड यहाँ पे आप जो सीट्स देख रहे हो ना, ये परफोरेटेड से डिज़ाइन में है, एंड इसके ऊपर आपको वाइट स्टिचिंग देखने को मिल जाती है। देखने में सुंदर बहुत लगती है, बट गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये दे सकती है, क्योंकि ब्लैक है, बट हाँ उसके लिए आपको ये ग्लासेस भी तो दिए गए हैं टिंटेड, तो थोड़ी हद तक तो हीट प्रोटेक्शन वैसे ही हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है।
और हाँ, वैसे अगर मैंने अब गर्मी की बात मेंशन ही कर दी है, तो गर्मी में इस गाड़ी में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अभी मेरे वाली तो एकदम मैंने मस्त ऑन कर रखी है, ये मैं आपको ये वाली ऑन करके दिखाती हूँ। रुको, अभी दिखाती हूँ आपको। मैंने एक पेपर संभाल के रखा था स्पेशली दिखाने के लिए आप लोगों को। ये देखो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हवा आ रही है। मैं ना इसको काफ़ी देर से ऑन करके बैठी हुई हूँ, आपको स्वेट की प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो सुजुकी वालों के लिए कहना पड़ेगा बहुत स्मार्ट है। एक तो ब्लैक सीट्स दे दी हमेशा की तरह, सदाबहार, सुंदर, इजी टू मेंटेन, तो उसके साथ वेंटिलेटेड सीट्स भी दे दी है, तो आपको स्वेट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी गर्मियों में। एंड यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स दिया गया है वो आपको ठीक ठाक से साइज़ का देखने को मिलता है। ऑनेस्टली बताऊँ तो आपको ग्लव बॉक्स यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ का मिलना चाहिए, क्योंकि इसके जो कंपटीशन में कार्स आ रही है उसमें थोड़ा बेटर साइज़ मिलता है आपको। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप ये एसी वेंट्स के साथ में ये ट्रिम्स वाला वर्क देखोगे। आजकल वैसे ये फर्नीचर वगैरह में और इंटीरियर्स में भी बहुत चल रहा है, यहाँ पे भी लगा रखा है, मस्त लग रहा है एकदम। एंड यहाँ पे ना कुछ ग्लॉसी में वही वुड सी फिनिश दी गई है जो मैंने आपको डोर्स पे दिखाया था, एंड यही सिल्वर मैट में फिनिश आपको पूरे यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई मिलेगी, जो मुझे लग रहा है कि इंटीरियर के साथ काफी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, अच्छी लग रही है। सो यहाँ पे आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसका टच रिस्पॉन्स एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए टच रिस्पॉन्स काफी फ्लूइड है इसका। यहाँ पे ना आपको एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, अभी ये कनेक्टेड भी है, देखो यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो यार, मैं इसको ना काफी देर से यूज कर रही हूँ, अभी मैं शूट कर रही थी तो उसको म्यूट किया हुआ था। ये काफी अच्छा वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कुछ लैग वगैरह है, प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप इसको बंद भी कर देते हो ना, तो ये पूरी डायरेक्शंस आपको दिखा रहा है। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 950 मीटर बाद टर्न है। इसके अलावा आपको एवरेज वगैरह भी दिखा रहा है, रेंज कितनी गाड़ी अभी और चलेगी वो भी सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे ना आपको दोनों साइड 4 इधर और 4 इधर कंट्रोल्स दिए गए, शॉर्टकट कंट्रोल्स है ये। एंड ना ये सारे टच में दिए गए, बटन यहाँ पे आपको नहीं दिए गए, जैसे अभी आप ये देख रहे हो वॉइस कमांड का, आपको यहाँ पे भी बटन मिल जाता है, मतलब बटन नहीं है टच मिल जाता है। एंड यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसको अभी बोल के दिखाऊंगी हाय सुजुकी बोलूंगी, तो ये वैसे भी आपकी बात सुन लेगी। अभी देखो दिखाती हूँ, हाय सुजुकी, हाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स मेंशन की गई है, आप जो इसको बोलोगे वो कर देगी। ओपन ड्राइविंग रेंज, सॉरी I didn't get that. Please say that again. Open driving range. Taking you to fuel economy screen. तो ये देखो, ये पूरा ऐसे खोल के आपको दिखा देती है। सो बेसिकली आप जो कमांड कहोगे आपके लिए कर देगी। बाकी ना इसमें आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स का सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। एक बार ना मैं आपको इसमें गाना भी प्ले करके सुना देती हूँ। ये यहाँ पे मैंने गाना पहले ही कॉपीराइट फ्री खोल के रखा हुआ है। आई होप आपने इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक कर ली होगी। इसमें ना मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, अभी जिससे मैंने वॉल्यूम आपको फुल पे करके दिखाई थी तो आवाज फटी नहीं। एंड यहाँ पे ना आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बटन कंट्रोल्स दिए गए, मुझे काफी प्रैक्टिकल लगते हैं। टच वाले देखने में सुंदर लगते हैं, बट फिर आपको थोड़ा सा ध्यान हटाना पड़ता है ड्राइविंग से, तो ये बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आपको बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड एसी की जो कूलिंग है वो भी काफी अच्छी है, मैं काफी देर से यहाँ बैठी हुई हूँ एंड सिर्फ 1 की स्पीड पे फैन यहाँ पे चल रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है मस्त से। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको यूएसबी की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिससे यहाँ पे फोन कनेक्ट हो रखा है। एंड मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है, यहाँ पे आपको जो कप होल्डर्स दिए गए हैं वो भी दोनों कोल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो ज्यादा कम, तो आपकी ड्रिंक्स ठंडी रहने वाली है। एंड यहाँ मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जिसका हम टेस्ट करने वाले आराम से, यही एक बहुत बड़ा चेंज है एक्सेल 6 में। एंड यहाँ पे आपको जो सनसेट दिया गया है ना, उसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर दिया गया है, वो भी विद लाइट, तो ये मुझे एकदम मस्त चीज लगती है यार, बढ़िया चीज है ये। और यहाँ अगर आप ड्राइवर साइड देखोगे तो भी आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिलता है, तो जितनी भी लड़कियां मेरी ये वीडियो देख रही होगी उनको समझ आ रहा होगा कि मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ इसको देख के। एंड यहाँ पे ना आपको लाइट्स मिल जाती है कैबिन की, जो नॉर्मल येलो लाइट है हेलोजन से,
एंड ये एक अच्छा टच है कि यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी दिया गया है, और यहाँ पे जो आपको IRVM दिया गया है ना वो ऑटो डिमिंग नहीं दिया गया है। आई थिंक दे देना चाहिए क्योंकि बलिनो तक में दिया गया है एंड ये उससे थोड़ी महंगी गाड़ी है। बाकी इसका ओवरऑल कैबिन अगर आप देखोगे ना तो ऑल ब्लैक सी थीम में कैबिन आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर सिल्वर एंड वुडन टचेस आपको देखने को मिलते हैं जो ऑब्वियसली प्रीमियम लग रहा है। अगर आप यहाँ पे बैठ के देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आप इस बजट की कार में बैठे हो, ऐसा आपको लगेगा कि आप किसी महंगी कार में बैठे हुए हो, मतलब इसमें आपको प्रॉपर महंगी कार वाला फील मिलने वाला है। एक और रीजन जिस वजह से मुझे XL6 पसंद है वो है इसका 6-सीटर होना। बेसिकली मैं इसके कैप्टन सीट्स की तारीफ कर रही हूँ। इस बजट में आपको और कोई भी कार नहीं मिलती जिसमें आपको कैप्टन सीट्स ऑफर की जा रही हो। अगर आपको कोई और गाड़ी चाहिए जिसमें कैप्टन सीट्स हो तो फिर आपको बजट जस्ट डबल करना पड़ जाएगा क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। फिर अभी मुझे कैप्टन सीट्स इतनी ज्यादा क्यों पसंद है, क्यों इतनी तारीफ कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो आपको अपना पर्सनल राजा वाला स्पेस मिल जाता है कि हाँ भाई मैं ही हूँ, ये सीट मेरी है, इस पर कोई और नहीं बैठेगा, मैं ही बैठने वाली हूँ। दूसरा आपको ना आर्मरेस्ट के लिए ऐसी लड़ाई नहीं करनी पड़ती कि ये मेरी जगह है मेरी जगह है, तो आपके पास अपना पर्सनल आर्मरेस्ट है, आराम से आप हाथ रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, और चाहो तो इसको फोल्ड भी इस तरह से कर सकते हो। दूसरा अगर आप देखोगे तो जैसे ये आगे वाली सीट 5'10" हाइट के पर्सन के हिसाब से एडजस्ट है, मेरी हाइट 5'8" है, तो आप चाहो तो इसको एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह भी बैठ सकते हो या फिर इसको पीछे भी कर सकते हो। एंड इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो भी एडजस्ट कर सकते हो, आप आराम से आप लेट सकते हो अगर सोना चाहो तो। बस शर्त ये है कि पीछे कोई बंदा नहीं बैठना चाहिए, अदरवाइज फॉर श्योर आपको गालियाँ यहाँ पे पड़ने वाली है। जो हेडरूम आपको यहाँ पे दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो मतलब अगर मुझसे मतलब 6'6'2" तक की हाइट का भी पर्सन होगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से टच होएगा, प्रॉपरली कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पाओगे। और एक सबसे मस्त बात मैं आपको बताती हूँ, अभी जैसे पूरी रो होती है ना, अगर 3-सीटर अगर सेकंड रो होती है तो ये वाली सीट आपको खाली नहीं मिलती, ये वाली जगह। अब मेरे जैसे को तो क्या चाहिए कि मैं अपने साथ चिप्स कुरकुरे वगैरह सब खाना पीना लेके चलती हूँ, तो यहाँ आपको पूरी जगह मिल जाती है, अपना हैंड बैग रख सकते हो, खाना पीना ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स पानी वगैरह सब यहीं पे रख सकते हो, आपको एक अलग से स्पेस मिल जाएगी, और खुला खुला तो आपको एक बहुत फील होता ही है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे जो AC है वो आपको ऑन द हेड मिलता है, ठंडी ठंडी मुंह पे हवा आती रहती है, आप एकदम चिल मोड में रहते हो, इंजॉय करते हो। एंड इसके कंट्रोल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, अभी जैसे मैंने लो पे किया हुआ है क्योंकि मुझे नीड ही नहीं फील हो रही इसको फुल पे करने की, बाकी आप चाहो तो आप इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। एंड यार इसका जो ग्लास एरिया है इतना ज़्यादा बड़ा है ना, मतलब फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहाड़ है लेक्स है, तो इतने बड़े ग्लास एरिया से व्यू देखने का कुछ मज़ा ही अलग है, नॉर्मल गाड़ी के मिरर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत इंजॉय करोगे अगर इतना बड़ा ग्लास होने वाला है तो। अगर आप कहीं घूमने जाओगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा एक ग्लास देख के। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिल जाता है, फ़ोन वगैरह चार्जिंग भी लगा के यहाँ भी अगर यहाँ पे रख सकते हो, एंड मैप पॉकेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो प्रैक्टिकलिटी काफ़ी एनहेंस हो जाती है इस चीज़ से। यार एक चीज़ की कमी मुझे डेफिनेटली लगती है कि यहाँ पे ना इतनी अच्छी गाड़ी है तो एक सनरूफ होनी चाहिए, मतलब ठीक है मैं इस बजट में एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट जैसे अभी ना पहले अल्फ़ा वेरियंट निकाला था, इस बार अल्फ़ा प्लस वेरियंट निकाला है, तो अब मुझे लगता है कि अल्फा प्लस प्रो मैक्स वेरिएंट निकाल देना चाहिए जिसमें एक सनरूफ तो यार ऑफर कर देनी चाहिए, मज़ा ही आ जाएगा इस गाड़ी पे, चार चांद लगने वाली बात हो जाएगी। मैंने ये वाली जो सीट है अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ली है, मैं आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अब ना थर्ड रो में जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप यहाँ से जा सकते हो, दूसरा यहाँ से एडजस्ट हो जाता है, मैं अभी आपको उधर साइड से करके दिखा दूंगी, एडजस्ट करके फिर आप पीछे जा सकते हो। सो यहाँ से ये कुछ ऐसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजीली आगे चली जाती है। और यहाँ पे मैं थर्ड रो में आके बैठ गई हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ इसकी जो थर्ड रो है ना वो इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं है कि मैं बिल्कुल यहाँ पे बैठ ही नहीं सकती, बहुत सारी गाड़ियों में मैंने देखा है बिल्कुल ऐसे ना स्टफ्ड वाली फीलिंग होती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही लॉन्ग जर्नीज कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाऊंगी, बट हाँ ठीक ठाक सी जर्नीज आराम से मैं यहाँ पे बैठ के ट्रैवल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, नॉर्मल मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको एक कैबिन लाइट मिल जाती है, AC यहाँ आपको थर्ड रो में नहीं मिलता, जो आपको सेकंड रो में AC दिया गया है उसी से कूलिंग आती है। एंड ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको दोनों साइड कप होल्डर्स दिए गए हैं, एंड जो पीछे वाली सीट्स है उसके लिए भी जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल दिए गए हैं, तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, तो सही है। आई थिंक इसकी जो थर्ड रो है ना बहुत सारी गाड़ियों की थर्ड रो से मुझे बेटर लगी। इसमें ना अब आपको TPMS भी ऑफर कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपको दे दिया गया है। अब ना आपको इसमें सुजुकी कनेक्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये एक ऐसी ऐप होती है जिसके अंदर से आप
ऐप से ही हजार्ड लैंप्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, एसी ऑन ऑफ कर सकते हो। और एसी ऑन ऑफ करते टाइम ना इसमें एक बहुत ही मस्त सिक्योरिटी फीचर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से एसी ऑन किया है, गर्मी बहुत है और आप कहीं आसपास बैठे हो, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। गाड़ी ऑन होएगी, मतलब स्टार्ट होएगी, एसी ऑन होएगा, लेकिन अनलॉक नहीं होएगी जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करोगे। आप इससे हेडलैम्प्स भी ऑन ऑफ कर सकते हो, अपनी कार भी अनलॉक या लॉक कर सकते हो। इसके साथ आपको कुछ ऐसी की देखने को मिलती है, सुजुकी का लोगो है, लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, जैसा कि नेक्सा में की आती थी पहले भी एक्सल 6 के साथ में। तो यार मैं सोच रही हूँ कि आज की वीडियो को ना हम इतना ही रखते हैं, मतलब ये वाली जो वीडियो है इसमें वॉक अराउंड ही रखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें ना आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ही ड्राइव रिव्यू मिल जाएगा। वैसे तो मेन ऑटोमेटिक का ही ड्राइव रिव्यू है क्योंकि वो नया आया है, बट मैं दोनों का कंबाइन करके उसमें आपको ड्राइव रिव्यू दे दूंगी। तो आज की वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। आई होप एक्सल 6 आपको अच्छी लगी होगी, मेरी एफर्ट्स आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।